को 25 इयर्स हो गए हैं डायबिटीज से सफर करते हुए, लेकिन जब से मैंने डॉक्टर विश्वरूप को फॉलो किया है, उनकी डीआईपी डाइट जो है वेजिटेरियन डाइट जब से मैंने फॉलो की है, मुझे अब कोई डायबिटीज की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बेटे को यहाँ एडमिट किया। मेडिसिन आपने कब शुरू किया था? मेडिसिन मैंने 25 इयर्स पहले शुरू किया था। मेरे को टाइप 2 डायबिटीज है। तो क्या किया आपने घर में कि मेडिसिन वो छूट गया? विश्वरूप सर ने क्या बता दिया आपको ऐसा? नहीं, उन्होंने यही बताया कि 12 बजे तक फ्रूट्स लेने हैं, मतलब जो आप पसंद करते हैं फ्रूट्स वो आप खाइए 12 बजे तक, उसके बाद आपको सैलेड की एक प्लेट खत्म करनी है और साथ में खाना खाना है। लेकिन खाना तो फिर वही है ना, कि अगर आप ऐसी डाइट शुरू कर देते हैं कि आप सैलेड खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, तो मन में वैसे ही आता है कि नहीं, मुझे अब ऑयली नहीं खाना है, मुझे कोई ऐसी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज नहीं खानी है, तो आप अच्छी डाइट पे अपने आप आ जाते हैं। तो ये डाइट अगर 25 साल पहले वो डॉक्टर जिन्होंने मेडिसिन दिया था ये डाइट बता देते तो आपको जरूरत पड़ता मेडिसिन का? नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज जो है, हमारा बेटा मलेशिया में काम करता है, वही है, वहां उसको ये चीजें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां सब मोस्टली लोग नॉनवेज खाते हैं, तो उसी की वजह से इसको खाने ढंग से नहीं मिला है। हम वहां जा नहीं पाते थे, मैं भी वर्किंग थी, तो अगर ये चीज हमारा बेटा भी पहले फॉलो कर लेता तो शायद आज ये कंडीशन ना आती। अभी भारत का पूरा तंत्र लगा हुआ है कि इस तरह से खाना पीना खा के, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा के ठीक हो रहे हैं लोग, तो ऐसे ठीक नहीं होना चाहिए। मतलब ये डॉक्टरी का लाइन नहीं है, ये हॉस्पिटल का लाइन नहीं है, ऐसे नहीं ठीक होना है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हम कहेंगे कि मेडिसिन फ्री लाइफ आप लीड करिए, जो हमें यही नहीं तो लगा रहता है, अब मेडिसिन खत्म हो गई है, ले आओ बाजार से ले आओ, और बार बार डॉक्टरों के चक्कर। मैं कह रही हूं कि अगर आपकी लाइफ इतनी अच्छी चलती है विदाउट मेडिसिन, देन व्हाई टू गो टू द डॉक्टर्स। अगर आप ऐसी ही डाइट से, वेजिटेरियन डाइट से आपको हेल्दी लाइफ मिल रही है, तो क्यों नर्क में जाना है? कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो मेडिसिन देते हैं वो डॉक्टर हैं, और जो मेडिसिन छुड़ाते हैं उनको, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जो जिंदगी से मेडिसिन छुड़ा दे, जो दे रहे हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं। दे आर गॉड, गॉड फॉर अस, बिकॉज आई फॉलो डॉक्टर विश्वरूप फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत, मेरे को दिल्ली में मैंने उनके कितने सेमिनार्स वगैरह भी अटेंड किए हैं, तो जो वो बताते हैं मैं उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ इम्प्रूव कर ली है। अगर पिछले 25 साल में देखा जाए तो कितना पैसा आपका खर्च हुआ होगा, कितना चक्कर काटे होंगे आप? देयर इज नो लिमिट, लाखों लाखों रुपया मैं खर्च कर चुकी हूँ। वो लाखों रुपया किन के पास गए? डॉक्टर्स के पास गए ना, जिन्होंने, आप देखिए ना, अगर आजकल हम कहते हैं कि अगर आपका 150 आ गया है, यू आर डायबिटिक, चलो जी इसको मेडिसिन पे डालो, लेकिन अब वो जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती जा रही हैं, कि अगर हम कहते हैं कि 200 से भी अगर नीचे है आपका तो भी आप ठीक हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप ठीक डाइट लेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या कोशिश करते हैं कि आपको वो मेडिसिन पे डालेंगे, आपको पहले थोड़ी पोटेंसी वाली, फिर ज्यादा हो जाएगी वो मेडिसिन, बढ़ती जाएगी, तो वो आदमी ऐसी कंडीशन पे पहुंचता है कि मेडिसिन नहीं छोड़ पाता। उन डॉक्टरों को क्या बोलना चाहेंगे जो पैसा कमा कर थक गए हैं, अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो कौन सा डॉक्टर उनको बनाना चाहिए? देखिए, हमारी जो परंपरा है, सबसे पहले हजारों साल पहले ये डॉक्टर्स तो नहीं थे ना, पहले तो आयुर्वेदा ही था, तो हम वही चीज तो फॉलो करते थे, तो तब भी तो लोग ठीक होते थे, रिकवरी तो तब भी होती थी, क्यों ऐसी चीजों के पीछे जाना जिससे एडिक्शन हो जाए, जिससे ऐसा हो जाए कि बस आपको दवाई लेनी है तो ठीक होना, दवाई के बगैर आप नहीं ठीक हो सकते, तो ऐसी लाइफ क्यों लीड करनी है? आप जहां से आए हैं वहां के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? वहां पर भी लोग जो हैं, हमारे सर्कल में जितने लोग, किस स्टेट से आप आए? मैं न्यू दिल्ली से हूं, तो वहां पर भी आजकल लोगों को बहुत अवेयरनेस आ गई है, वो भी
इसी तरफ उनका झुकाव हो गया है, योगा करनी, मेडिटेशन, प्राणायाम और ये हेल्दी डाइट। हमारे तो जो सोसाइटी है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो यही फूड जो डाइट है वो फॉलो करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, सैलेड लेते हैं, बहुत से लोग हैं जो करते हैं ऐसा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्ध आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपने नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।